नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर के नगीना में आयोजित हुई AIMIM पार्टी की सभा में ओवैसी के नेता के बिगड़े बोल। विपक्ष के सभी नेताओं को कहा कि सब मेरी मीठी जूती पे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के करीबी व हैदराबाद से AIMIM पार्टी के पूर्व मेयर माजिद हुसैन के खिलाफ बिजनौर के नगीना में मुकदमा दर्ज। पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बयान देने पर धारा 500-504 में हुआ मामला दर्ज। दरअसल बिजनौर के नगीना में ओवैसी की पार्टी के बड़े नेता व हैदराबाद के पूर्व मेयर माजिद हुसैन ने कहा था कि मैं डरूंगा तो सिर्फ अल्लाह से डरूंगा, ना अखिलेश से, ना मायावती से, ना सोनिया से, ना मोदी से, ना अमित शाह से, ये सब मेरी जूती पे। देखिए बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। इंशाल्लाह मरे दम तक सिर्फ अल्लाह से डरूंगा, चाहे कोई भी हो, मैं उस लीडर के पीछे चलता हूँ जो शेख नेता के तौर पर अल्लाह से डरो, ना अखिलेश, ना बैठी, ना सोनिया गांधी, ना मोदी, ना अमित शाह, सब जूती पे। हमसे मुकाबला 20% हमें आना है, साथ वक्त आएगा, इस इंतखाबात पे एक हो जाओ। मेरा उम्मीद करता हूं क्या जीत और हार का फैसला आप और हम कर सकते हैं। जीत और हार का फैसला ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं। जीत हार जिंदगी मौत सब अल्लाह के हाथ पे है। आपका और मेरा काम मेहनत कर रहा है, मेहनत करेंगे, उसमें अच्छाई हो या बुराई हो वो अल्लाह का फैसला रहेगा। हम एक बार एक जुट हो जाएंगे तो ये 7% भी आपके हाथों में आगे बैठेंगे, ये 11% भी आपकी मदद मांगेंगे जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे और ये मंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। हमें नहीं चाहिए हमारे नौजवानों का रोजगार, क्या हमें नहीं चाहिए हमारे बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल, क्या हमें नहीं चाहिए हमारी माओ बहनों के लिए अच्छे अस्पताल, क्या हमें नहीं चाहिए कि हमारा बच्चा भी थाने में दरोगा बने, क्या हमें नहीं चाहिए कि सरकारी इदारों में कहीं रफीक दिखे, कहीं हमीद दिखे, कभी कहीं लतीफ दिखे, क्या हमें ये देखना नहीं है? क्या हमारी किस्मत में यही देखना है कि थाने में जाओ तो दलित दिखे और यादव दिखे, सरकारी महकमे जाओ तो दलित दिखे और यादव दिखे, कहीं भी जाओ इनके बच्चों का रोजगार और मुस्तकबिल सख्त हो गया और आप और हमने जो भी से इनको नवाजा, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल हमने अंधेरे में ला दिया। क्या हमें नहीं चाहिए हमारे हर जिले में अच्छे तामीराती स्कूल हो, क्या हमें नहीं चाहिए हमारे हर जिले में हमारे बच्चों के लिए अच्छे कॉलेज और अस्पताल। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।